हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी वीडियो उस दिन की है जिस दिन बुस्ट हुआ था, उसी दिन आंधी तूफान भी आया था और घर की क्या हालत हुई थी वो भी आप सबको जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आगे पता चली जाएगा। घर में इतनी बुरी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या होगा आज। तो आज सारे घर में भूसी भूस नज़र आएगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक चक्कर आते ही भूस का तभी मौसम ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ तूफान आएगा। और ये जो बुग्गी है भुस्की उतार के चले ही थे दूसरी बार लेने के लिए, तो इतनी तेज़ आंधी तूफान आया, सारा जो नीचे भूस था वो सारा ऊपर कमरों में छत पे सब में भूसी भूस हो गया था। और वैसे भी रात हो गई थी तो साफ़ सफाई तो रात को नहीं कर पाए, रात को झाड़ू नहीं लगा सकते, धो नहीं सकते, पोछा नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से फिर सुबह का हमारा जो काम फैला था वो आप सबको अभी दिखाऊंगी, आगे आगे देखिए वीडियो को। और अभी तो ये उतार रहे हैं, तीन जने हैं ये भूस ढोने वाले, एक अंदर है, एक ये लेके जा रहे हैं और एक यहाँ से बुग्गी में से उठा उठा के इनकी हेल्प करवा रहे हैं। तो तीनों लगे हुए हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। बारीक बारीक भूस जो होता है वो मुंह में भी जाता है तो उसका धसका चढ़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल काम है ये भूस ढोने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिशन पे लग जाते हैं। ये वीडियो सुबह की है, नेक्स्ट डे की। अब आप सबको घर की हालत दिखा देते हैं। सोफे की जो गद्दी थी वो मैंने झाड़ दी है, इन पे भी बहुत भूस था, इनको मैंने अच्छे से झाड़ झाड़ के अभी रख दिया है, लगाया नहीं है क्योंकि फिर से धूल उड़ेगी, फिर से इन पर बैठ जाएगी। पहले झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ को, उसके बाद ही सेट करूँगी इनको। और सोफे के कवर तो जब मुझे लग रहा था कि अब आंधी तूफान आने वाला है तभी मैंने रूम में रख दिए थे उठा के, क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा भूस चला जाता और वो हैं भी ऐसे, उनमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो भूस के तिनके हैं वे सारे इसी में घुस जाते कवर में ही, तो मैंने उनको पहले ही उठा के रख दिया था। अभी जब सारा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा तभी लगाऊंगी उनको, अभी तो मुझे पोछा लगाना है यहाँ पे। और आज तो ऐसा मन कर रहा है कि सारे घर को धो दे, ऐसा लग रहा है कि सारे घर पर दीवार पर सब जगह धूल ही धूल चढ़ रही है। और देखिए कितना कूड़ा है, कम से भी कम एक तसला कूड़ा है ये। जहाँ आंधी तूफान आए लाइट का भी नामो निशान नहीं रहता, पूरी रात हो गई, पूरी रात से लाइट नहीं आई अभी तक भी। और जब भी ऐसा हाल होता है लाइट ना आए, हमारा टैंक तो तुरंत ही खाली हो जाता है, छोटा टैंक है हमारा और वो एकदम खाली हो जाता है। पता नहीं, चाहे हमने उसको पहले दिन भरा हो, उसको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो भरा हुआ, पर जब ऐसी हालत होती है ना घर की तब टैंक हमारा सबसे पहले खाली हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना पोछा लगा सकते, बस झाड़ू झाड़ू लगा सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बिना पानी के कुछ होगा भी नहीं, पानी है ही नहीं एक भी बूंद। और जो भी लेके आ रहे हैं नहाने का भी, बर्तन धोने का, वो नीचे से नल पे से भर के ला रहे हैं, नल भी हमारा कम पानी दे रहा है तो उसको भी चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज सबसे भारी दिन है हमारे लिए और बहुत ही सारा काम आज ऐसा है, सारा ही कठिन काम है पानी का, और पता नहीं अब कब तक निमटेगा आज का काम। ये हाल तो ऊपर का है और नीचे का इससे बुरा हाल है। एक बार तो मम्मी ने मोटा मोटा सा झाड़ू लगा के नीचे से उठा भी दिया भूस, और जो और रह रहा है अभी मैं यहाँ का करने के बाद जाऊँगी नीचे, वहाँ का करूँगी फिर। नीचे तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है और अभी तो जब लाइट आएगी तभी पोछा लगेगा, तभी होगी अच्छे से साफ़ सफाई। अब फ़िलहाल के लिए तो काम चलाओ हो ही जाएगा। ये हालत बस हमारे यहाँ यहाँ की नहीं है, जहाँ जहाँ भी तूफान आया वहाँ सब के यहाँ पर ऐसी हालत होगी। जिनके मकान खेतों के पास है उनका तो पूछे ही मत, उनका तो बुरा हाल होगा आज कूड़े से और धूल मिट्टी से। उनके घर में तो सारे खेतों की मिट्टी आ गई होगी, क्योंकि हमारा घर भी है वहाँ पे मायके में, वहाँ पे भी हमारे सामने खेत ही खेत हैं, वहाँ पे बुरी हालत हो जाती है हवा और आंधी तूफान से। तो यहाँ तो फिर भी गांव के बीच में है मकान, फिर भी थोड़ी बहुत वो है कि इतना कूड़ा नहीं आया यहाँ पे जितना खेतों के पास में आता है। और अभी देखिए नीचे मैंने उधर तो झाड़ू लगा दिया है, अब इस वाले रूम में आई हूँ मैं। इस वाले रूम की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ की जो विंडो है उसमें खिड़की नहीं है, सारी धूल मिट्टी उसमें से सारे रूम में घुस जाती है। तो अभी मैं यहाँ की साफ़ सफाई में लगी हूँ, एक कपड़ा ले लिया है मैंने सूती, उसी को यहाँ पे
जो ये रखे हुए हैं गमले और ये तस्वीर, इनको सबको अच्छे साफ़ कर दिया। एक बार पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी इस वाले रूम में, उसके बाद ही फिर इनको झाड़ रही हूँ। और इधर अभी सोफे भी रह रहे हैं, सोफे भी झाड़ के उनकी कवर भी लगाने हैं, सेट करना है उनको अच्छे से। सोफ़ों को भी अच्छे से झाड़ना है, उन पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, तो पहले मैंने सोचा इधर का कर लेते हैं। और इसमें एक चारपाई भी पड़ी है, उस पर भी इतनी धूल थी, वो भी मैंने एक डंडा लेके उससे झाड़ के साफ़ की है। बहुत बुरी हालत थी चारपाई की भी। ये काम मैं फुर्सत में इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ऊपर मोनिका लगी हुई है, नाश्ता वो बना रही थी और बच्चे सबको खिला रहे होंगे, तो सब ऊपर का काम मोनिका देख लेगी, तब तक मैं यहाँ का कर लूँगी। और फिर जाके थोड़ी बहुत जो काम रह जाएगा ऊपर जाके भी हेल्प करवा दूँगी जब तक लाइट आएगी, क्योंकि लाइट आने के बाद तो सबसे बड़ा काम शुरू होगा साफ़ सफाई का। पशुओं को नहलाना है, उनके नीचे धोना भी है, और फिर ऊपर टैंक भी भर के ऊपर पोचा भी लगाना है। तो जब लाइट आ जाएगी और भी ज़्यादा काम फैल जाएगा। एक बार तो मैंने इसको डंडे से साफ़ कर दिया था खाट को, और अभी इस पर कपड़ा मार दिया है एक एक बार, और यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है LCD भी, यहाँ पे भी धूल थी बहुत। तो सारा ये रूम हो गया है मेरा। अभी मैं नल पे से पानी भर के पोछा लगा दूँगी इसमें, सोफ़ों का और कर दूँ, सोफे रह रहे हैं। और बस इनको साफ़ करने के बाद फिर पोछा लगा के गेट बंद कर दूँगी अच्छे से, यहाँ के कर्टेंस लगा के, और फिर बस अपना बाहर का देखूँगी। बाहर तो ऐसे सारा मैंने झाड़ू लगा दिया सारे में। पापा जी कपड़े रह रहे थे प्रेस के बिना, उन पे प्रेस कर दी है। और इधर मोनिका वाले रूम में ही लगी हुई थी प्रेस, क्योंकि मोनिका करने वाली थी फिर लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर अभी मैंने की है पापा जी के कपड़ों पे। मम्मी के एक जोड़ी मेरे थे उन पे भी कर दिया, लाइट फिर से जा चुकी है। तो अभी इनको यहाँ पर टांग देती हूँ पापा जी के कपड़ों को। और बस अभी शाम का टाइम हो गया है, फिर कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई थी तीसरे पैर के बाद। अब शाम के टाइम में बना रहे हैं लौकी, मोनिका ही छोंक लगा रही है। कुकर में ऑयल डाल दिया है, जीरे का छोंक लगेगा क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में हम प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारी सब्जी जीरे में भी बना रहे हैं, जीरा डाल दिया है और सारे मसाले धनिया मिर्च हल्दी टमाटर में डाल के, और बस लौकी को छोंक लग जाएगा। मैं तब तक दूध लेके आ जाती हूँ छान करके, दूध भी यहीं पर उबल जाएगा गैस पर, सब्जी बनती रहेगी दूध भी उबल जाएगा साथ के साथ में, और फिर रोटी तो बाद में बनेगी, अभी तो सब खेत में गए हुए हैं। इन दिनों खेतों का काम इतना रहता है कि 12 के 12 घंटे किसान खेत में ही रहते हैं, 12 के 12 क्या 24 घंटे भी हो जाते हैं इन दिनों। काम करने में भी तभी मन लगता है घर साफ़ सुथरा हो, तो आज मैंने अपने घर को पहले जैसा ही कर दिया है, आज ही कर दी अपनी सारी साफ़ सफ़ाई। बस टैल रह रही है, टैल की साफ़ सफ़ाई नहीं हो पाई, वो मैं कल कर दूँगी, आज टाइम नहीं मिला मुझे, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया ये झाड़ू पोछा करने में ही, डस्टिंग करने में ही। टाइल्स को भी साफ़ करना सोची थी पर नहीं हो पाई, मैं सोची चलिए कल कर लूँगी, वैसे भी थक गई हूँ और व्रत भी है, व्रत में इतना काम नहीं हो पाता। कर भी लेते हैं पर हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे हाथ पैर निकल गए हों, टूट गए हों, ऐसा लगता रहता है व्रत में। और फिर पूजा का भी रहता है, पूजा करने में भी आध पौन घंटा आराम से लग जाता है, तो फिर वो भी देखना होता है। तो सारा ही काम हो जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी देखिए नीचे जिया, और ये छोटी है, ये इसकी फ्रेंड है, इसके साथ में खेलती है पूरा दिन। भाई साहब भी अभी ट्रैक्टर लेके आए हैं खेत में से ही। अभी मैं इधर आई थी कपड़े उतारने के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए यहीं पे खड़ी होगी, हवा लग रही थी यहाँ पे अच्छी,
मनसा भी लग रहा था थोड़ा सा, तो फिर मैं यहीं पे खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली लोग, में आप सबका स्वागत है। और आज है पांचवा नवरात्र, पांचवा नौरता, आज है पांचवा नौरता। गले का बट्टी का दिखो आजा, का दिखो आजा, चाय नहीं मिल रही जा मम्मी को। क्या तो मिल गई और वीडियो कॉल कर रखे थे बस रोने रोने चलाया कनु को कद रोई ना हां ना रोई ना तो हंस रही थी चौकी का काम से लगा तो फंसे रहे तो रहना तेरे का इतनी मंत्र चल रहे सोना तो होगा नहीं आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो टाइम हो चुका है 10:15 बज चुके हैं। अभी मैं एक बार अपनी जोत देख के आऊँगी, किचन में काम है घी डाल के आऊँगी अपनी जोत में। रात में मैं कई बार चेक कर लेती हूँ, पता नहीं कूलर चल रहा है सबको आज जा पा रही है या नहीं। अब की तो सो गया, जिया जाग रही है अभी। आपको हेलो हाउ आर यू बोल रही है, तो एक बार किचन में चेक करके आती हूँ अपनी जोत। रात में मैं कई बार चेक करके आती हूँ, ऐसा नहीं कि देखती नहीं हूँ, बीच बीच में देखती रहती हूँ। लाइट भी जल रही, बाहर की लाइट भी जल रही है। पहले हैंड वॉश कर लिए जाएं, उसके बाद ही जोत में घी डाल दूंगी। जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी मिलकर बोलो, जय माता। चलिए जोत में तो घी डाल, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी रमजान। वैसे मैं और भी बात करना चाहती थी पर यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है, कूलर बंद करना पड़ेगा। जेठानी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कई बार बता लिया है वीडियो में, वो अपने मायके गई हुई है, पता नहीं कब तक आ पाएंगी, अभी नहीं आ रही हैं। जब आएंगी आप सबको वीडियो में तो दिखेंगी ही, और जब तक नहीं हैं तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मायके में तो सब मायके में सबका मन लगता है, ज़्यादा मायके में ज़्यादा मन लगता है, तो पता नहीं अभी कब तक आ पाएंगी, वो तो मैं नहीं बता सकती, वो तो नहीं पता है। और बस इस पर भी कई बहुत सारे कमेंट आएंगे कल कि क्यों नहीं आ रही जेठानी, लड़ाई में जा रही है, कैसे जा रही है। तो देखिए लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, उनका मन करता है जल्दी जल्दी जाने का तो वो जल्दी जल्दी जाती रहती है अपने मायके। तो चलिए अभी चलते हैं, बाय बाय।